कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में लगेगा। आदेश के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम समारोह पर भी पाबंदी रहेगी। ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फार्म हाउस पर किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्री गंगानगर शामिल है। इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है, लेकिन सरकार ने अब नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और 1,00,000 से अधिक आबादी वाले तमाम शहरों में एक दिन का नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान रात 8 बजे से पहले रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। केवल इमरजेंसी या अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकानें जैसे मेडिकल शॉप, अस्पताल खुले रहेंगे। मैरिज गार्डन या अन्य स्थान जैसे क्लब, होटल, फार्म हाउस या रिसोर्ट में नाइट पार्टी के आयोजन नहीं हो सकेंगे। हर साल 31 दिसंबर रात 12 बजे होने वाली आतिशबाजी पर रोक रहेगी। शहरी क्षेत्रों में केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही रात 8 बजे बाद घर से निकल सकेंगे।